नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से बाहुबलियों के, बदमाशों के, कुख्यातों के हौसले पस्त पड़ चुके हैं। आलम यह हो गया है कि या तो बाहुबली खुद इलाका छोड़कर भाग रहे हैं या फिर थाने में आकर खुद सरेंडर कर रहे हैं। ये सब तो वो बातें हुई जिसको लेकर सोशल मीडिया पर खबरों की भरमार रहती है। अब असलियत सुनिए। सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। यहां पर एक शख्स तमंचा लेकर घुस गया, वक्त रहते उसे रोक लिया गया। मतलब सोचिए, वो सीएम साहब जिनसे कुख्यात डरते हैं, उन्हीं के कार्यक्रम में एक आम आदमी रिवॉल्वर लेकर घुस आया। जाहिर सी बात है, सीएम योगी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई तो फिर बवाल तो मचना ही था। इसी लापरवाही को लेकर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है। आपको बता दें, ये पूरा मामला इस हफ्ते की शुरुआत का है। बस्ती जिले के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस खास मौके पर कई जिलों की पुलिस को तैनात किया गया था। इस कार्यक्रम में जिले के गौर ब्लॉक प्रमुख अपने रिश्तेदार के साथ पहुंचे। रिश्तेदार के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। जैसे ही पुलिसकर्मियों की नजर उस पर पड़ी, उसे तुरंत बाहर निकाल दिया गया। सवाल ये कि कार्यक्रम के अंदर शख्स को पिस्टल के साथ घुसने ही कैसे दिया गया, किसी की नजर पहले क्यों नहीं पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम में 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 4 को तो सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि 3 के खिलाफ शिकायत कर दी गई है। सुरक्षा में लापरवाही के चलते जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है, उनमें एसआई विद्यांचल, मुख्य आरक्षी शिवधनी, एसआई हरि राय राम प्रकाश शामिल है। वहीं एसआई रमाशंकर मिश्रा, आरक्षी वरुण यादव, अवधेश कुमार के निलंबन के लिए एसपी ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर।